जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। फरियाद लेकर पहुंची महिला तो काम के बदले करवाया तेल मालिश, एसपी लिपि सिंह ने किया सस्पेंड। बिहार पुलिस अपने कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। पुलिस के कई कारनामे अच्छे होते हैं तो वहीं कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं जिसके कारण जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सहरसा के डरहार ओपी का सामने आया है। थानाध्यक्ष शशिभूषण सिन्हा बड़े मजे से एक महिला से मसाज लेते दिख रहे हैं। उनके ठीक सामने एक और महिला कुर्सी पर बैठी है। थाने में मसाज लेने का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि वीडियो 2 महीना पुराना है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी लिपि सिंह ने तत्काल एक्शन लेते हुए थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। वायरल वीडियो ने बिहार सरकार के कानून पर एक बार फिर सवाल उठाया है। डरहार ओपी के थानाध्यक्ष शशिभूषण सिन्हा का अश्लील चेहरा उभर कर सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि डरहार ओपी के थानाध्यक्ष शशिभूषण सिन्हा रूम में एक महिला से मालिश करवा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि अपराधियों पर नकेल कसने वाली पुलिस ही अगर इस तरीके का कृत्य करती नजर आएगी तो अपराधियों के बीच कैसे खाकी का खौफ कायम रहेगा। वीडियो में 2 महिला दिखाई दे रही है। एक महिला से एसएचओ साहब मसाज ले रहे हैं। बताया जाता है कि उस महिला के बेटे को 2 दिन पहले जेल भेज दिया गया था। महिला अपने बेटे को छुड़ाने के लिए थानाध्यक्ष के पास पहुंची थी, लेकिन थानाध्यक्ष को तो मसाज कराना था सो उन्होंने महिला से मालिश करवाना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान जनाब महिला का काम भी कर रहे हैं। किसी से फोन पर महिला के बेटे को छोड़ देने की बात कहते थानाध्यक्ष दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि थानाध्यक्ष वकील से बात कर रहे थे। महिला अपने बेटे को छुड़ाने की गुहार लेकर थानाध्यक्ष के पास गई थी। इस दौरान दारोगा ने अपनी वर्दी का धौंस दिखाया। महिला को कहा कि बेटे को छुड़ा देंगे लेकिन जो मैं कहता हूँ वो करो। बेबस महिला ने थानाध्यक्ष के कहने पर मसाज करना शुरू कर दिया। वहीं दारोगा भी महिला की मदद कर रहे हैं। वकील से बात कर महिला के बेटे की बेल करवाने की बातचीत चल रही है। 1 मिनट 4 सेकंड का ये वीडियो खाकी पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सदर संतोष कुमार ने वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि की और कहा कि उन्होंने पहले ही वीडियो देख लिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले की जांच की है और अपनी रिपोर्ट जिला एसपी को सौंप दी है। मामले की पुष्टि होने के बाद एसपी लिपि सिंह ने तुरंत एक्शन लेते हुए थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। बेचारी महिला कितना पैसा भेज दे और नकल उकल सब लिफाफा में हम भी भेज देंगे और 2 ठो औरत जाएगी आधार कार्ड लेके बेलर में जाएगी ना। हाँ तो आप यहाँ कब भेज दें इसको? अच्छा तो सोमवार को आपको पूरा पता मोबाइल नंबर दे के और सब भेज देते हैं। पप्पू बाबू से अपना मिल लेंगे, एकदम करा दीजिए। देखिए हाँ, कहे कि इसमें 10,000 मेरा ही खर्चा।